खास शेयर वीआईपी शेयर जानने का। और हमारे साथ विलियम ओ नील इंडिया के मयूरेश जोशी फोन लाइन पर मौजूद है। मयूरेश जी बताइए, क्या है आज वीआईपी शेयर में निवेशकों के लिए क्या लेकर आए हैं? हमारे सबसे जाइडस लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया और यूएस फॉर्मुलेशन बिजनेस में जो ग्रोथ देखी है वो बरकरार रहेगी। जितने एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस यूएस मार्केट के लिए और काफी कुछ नए अप्रूवल्स जो उन्हें मिले हैं वो मोमेंटम बरकरार रखेगा यूएस मार्केट के फॉर्मुलेशन ग्रोथ का। जहां तक APIs का सवाल है, आई थिंक एक स्टेबल इनकम रहना चाहिए वहां से। लेकिन जो इंडियन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो जो की थेरापेटिक सेगमेंट्स है ऑनकोलॉजी को लेके और जो की लॉन्चेस आ सकते हैं जो हाई मार्जिन पे हो सकते हैं, ये ओवरऑल कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन्स को 23-25% के बीच में रखेंगे। रिसेंटली उनकी जो अहमदाबाद प्लांट है वहाँ पे FDA का एक क्लीन चिट मिली थी, वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लांट फार्मा स्पेस में जहाँ क्लीन चिट मिली है। और हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट जो अर्निंग्स मोमेंटम है वो बिल्कुल बरकरार रह सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक रिटर्न रेशियोज सुपीरियर रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। और Zydus Life, Zydus Wellness जो उनका वेलनेस आर्म है उसकी मार्केट शेयर और जो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ है वहां पे भी जबरदस्त इजाफा देखा गया है, और इसलिए आई थिंक ये स्टॉक बिल्कुल आपके नजर पे रहना चाहिए। इन महीने के लिए Zydus Life खरीद सकते हैं हम, 650 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह मयूरेश की तरफ से। मयूरेश जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।